नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में और आप हमारे पीछे जो एक डेयरी फार्म देख रहे हैं, इसका हमने वीडियो पिछले अक्टूबर महीने में भी बनाया था, लेकिन आज भी मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ क्योंकि जो डेयरी की स्थितियाँ होती है वो देखना बहुत ही जरूरी है कि किस परिस्थिति में आपकी डेयरी है। क्योंकि जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था तो इनका 500 प्लस दूध था और आज जो है 280 लीटर दूध का प्रोडक्शन है। तो आखिर ऐसा क्यों, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, प्लस में जब शुरुआत किए थे तो इनको क्या चुनौतियां आई थी, और शुरुआत जो इन्होंने किया था वो पीछे आप हमारे पीछे जो शेड देख पा रहे उसमें इन्होंने किया था, और आज इनका ये शेड है जो कि, तो कैसे कैसे प्रोग्रेस किए और प्रोग्रेस करने का क्या इनका मंत्रा है, दूध कहाँ बेच देते हैं। क्योंकि डेयरी फार्म जो होता है वो दो से तीन तरह का लोग कर सकते हैं, एक ब्रीडिंग पर्पज से, एक दूध बेचने के पर्पज से। तो इनका जो मकसद है ये दोनों काम करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे काफी संख्या में पशु है जो कि बछिया है जो कि दूध नहीं देती है, लेकिन फिर भी ये उनको पाल रहा है। इनका मकसद क्या है ये दूध पाल बच्चियों को पालने का, हम हर एक चीज इस वीडियो में जानने वाले। तो उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बने तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए सर से बात करते हैं, जानकारी पूरी। स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा और आपका डेयरी का लोकेशन कहाँ पर है ये एक बार फिर से आप बता देंगे सर। सर दिनेश मिश्रा नाम है हमारा जी। जी डेयरी का लोकेशन ग्राम जगदीशपुर है। अच्छा अच्छा, पोस्ट जगदीशपुर, एयरपोर्ट के बगल में है जो है, एयरपोर्ट यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो सर 2012 से आप इस डेयरी फार्म को कर रहे हैं। जी जी। इसके पहले आप उस शेड में थे। जी। तो ये शेड आपने कब बनवाया था सर? ये शेड हमारा बना है जो है करीब 2016 और बना है जो है 2016 में बनवाया था। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना है सर? सेम लंबाई जितना उसका था, फर्स्ट का, उसके बाद हमने सेकंड बनवाया जो है। अच्छा जी जी। और उसके बाद जो है तीसरे चरण में इसको। अच्छा, तीसरे चरण में इसको बनवाया। तो मतलब एक इसका चौड़ाई कितना होगा सर लगभग? फिर भी 29 फुट चौड़ा और 107 फीट लंबा। अच्छा, और हाइट कितना बीच से ले रखे हैं सर? इसका हाइट तो सर इसमें 16 फीट है जो है। 16 फीट है। तो लगभग इस तरह का अगर सेट अभी के समय बनवाए तो कितना खर्चा लग जाएगा? ये सेट बनवाने में सर कम से कम 12 से 15 लाख लगेगा। 12 से 13 लाख का भी खर्चा आ जाएगा, मतलब मिट्टी भराई से लेकर के पूरा ऊपर तक बता रहे हैं ना? सिर्फ ऊपर का तो मतलब नहीं ना, सिर्फ बता रहे हैं? नहीं नहीं, पूरा कम्प्लीट लग जाएगा। तो अभी सर हम इस चीज पर बात करने वाले, जो आपके पास है दुधारू पशु भी है, गाभिन भी है और बच्चे भी हैं। जी जी। तो हम सबके लिए थोड़ा सा फीड वगैरह के बारे में बात करेंगे या आखिर कैसे आप इनको खिलाते हैं। तो सबसे पहले हम दुधारू पशु की बात करेंगे। तो दुधारू पशु को आप हरा चारा और सूखा चारा कितना देते हैं आप ये बताएंगे? अब हरा चारा तो सर देखिए सभी गांव के लिए होता है, एक पूरा खेत में कटता है, देखिए बगल में है जो है। जी जी जी। हरा चारा देख रहे हैं इसका बोया हुआ है, तो इसकी कटाई होती है। अच्छा। 2 टाली 3 टाली 3 टाली तक होती है जो है। जी जी। तो लगभग एक दिन में 5 क्विंटल के आसपास हरा चारा हो जाता है। अच्छा अच्छा, एक दिन में 5 क्विंटल के आसपास में हरा चारा दे देते हैं। अच्छा, और सूखा चारा फिर कितना देते होंगे? सूखा चारा वही करीब 1.5 क्विंटल के आसपास जो है। अच्छा, 1.5 क्विंटल के आसपास सूखा चारा हो जाता है। अच्छा, तो ये सारा का सारा मतलब सबको दूध के अनुसार से देते होंगे ना? हाँ, बछिया गाभिन वगैरह सबको? हाँ, सबका अलग अलग रहता है, सबका अलग अलग, सबका अलग, जैसा उनका उम्र है, जैसी गाय है, जैसा दूध है, उसी हिसाब से सबको। अच्छा, उसी अनुसार से देते हैं। अब तो अब इनके बाद दाना के बारे में जानेंगे कि दाना कितना देते हैं पशुओं को, इसके बारे में आप बताएंगे सर? सब दूध के ऊपर निर्भर रहता है। अच्छा, जैसे दूध के ऊपर और गाय के वजन के ऊपर, जैसे अब कोई 20 लीटर दूध दे रही है तो उनको कम से कम 7 से 8 किलो दाना जो है। अच्छा, दाना देते हैं। तो दाना में आपका क्या क्या मिक्स होता है सर? दाना में तो सर इस समय हम लोग चूंकि मक्के का चोकर दे रहे हैं जी, मक्का दे रहे हैं जो है, हाँ, और गेहूं का चोकर है जी, और मसूर है, सरसों का खल है। अच्छा, तो वो कितनी कितनी मात्रा में होता है अगर देखा जाए तो? जैसे अगर 100 केजी का तैयार करते होंगे तो कितना कितना मात्रा? अगर 100 केजी का है तो जितने करीब 20 किलो मक्के का चोकर हो गया जी, और 15 किलो जो है आपका मक्का हो गया जी, और करीब वही आपका 25 किलो गेहूं का चोकर हो गया, अच्छा, मसूर हो गया उसमें जो है, प्लस सरसों का खल हो गया। अच्छा, सरसों का खल भी उसमें होता है। हाँ। तो सरसों का खल पूरे साल देते हैं या सिर्फ सीजन में देते हैं? नहीं, पूरे साल, पूरे साल हरा चारा पूरे साल मिलता है? हाँ, नहीं, हरा चारा मिल जाता है पूरा, लेकिन एक आध दो महीने का बीच में, एक तो एक आध दो महीने में फिर दूध में तो भी असर आ जाता होगा, हरा चारा नहीं मिलता है तो? नहीं, तो फिर हरा चारा नहीं रहता तो उसके मल्टीविटामिन चला जाता है। मल्टीविटामिन उस समय में देते हैं, तो मल्टीविटामिन मतलब पूरे साल नहीं देते हैं? नहीं, मल्टी पूरे साल नहीं दिया जाता है, लेकिन दिए जैसे जो गाय दूध देती है, जो गाय गाभिन है जी, उनको तो दिया ही जाता है। अच्छा, कितनी मात्रा में देते हैं तब? अब जैसे आपका मल्टी विटामिन में एक गाय को 10 से 15 ग्राम पर डे जो है, 15 से 20 ml दिया जाता है। अच्छा, 20 ml दिया जाता है पर डे। तो गाभिन को, दुधारू को देते हैं, बाकी बछिया वगैरह को? हाँ, नहीं, बछिया जब तैयार होने वाली होती है। अच्छा, उनको देते हैं? हाँ, जैसे जब लग रहा है कि नहीं इनको समय हो गया है सीमन का, तो उनको चला दिया जाता है। अगर
20 से एक महीना भी अगर चल गया तो एक बार में रुक जाती है। अच्छा, एक बार में रुक जाती है जी। तो अब उसके बाद जो दाना आप देते हैं तो बछिया को मतलब कितना लगभग देते होंगे? वैसे उनके वजन के हिसाब से है, की बछिया है तो एक किलो बहुत हो गया जो उनके लिए। अच्छा, अच्छा। एक से डेढ़ किलो बहुत, एक किलो। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे डीवार्मिंग भी कराते हैं, कीड़ी का दवा वगैरह देते होंगे, कितने टाइम पर देते हैं और क्या समस्या आती है डीवार्मिंग की, मतलब कीड़ी की दवा देने के बाद, ये आप थोड़ा सा बताइएगा सर। ढाई से तीन महीने पर कीड़ी का दवा देते हैं। अच्छा, और कोई समस्या नहीं है डीवार्मिंग कराने के बाद, कोई समस्या नहीं होती। जैसे हम सुने कि सर गोबर टूट जाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो एक दो दिन पर दिक्कत रहता है जो है, एक से दो दिन, उसके बाद अगर लिवर टॉनिक चला दिया जाता है तो वह सब सही हो जाता है। तो एक से दो दिन क्या दिक्कत होती है सर? वही गोबर ओबर, किसी किसी गाय का, सब गाय का नहीं, सबका नहीं, सबका नहीं, किसी किसी गाय का जो है गोबर गीला हो जाता है। अच्छा, जिसमें अगर 10 गाय है तो 10 गाय में से 2 का दिक्कत आएगी, बाकी 8 गाय को तो पता भी नहीं चलता। अच्छा, लिवर टॉनिक फिर कितना दिन तक देते हैं उनको? कम से कम एक हफ्ता। तो जैसे कीड़ी का जो दवा देते हैं, क्या गाभिन गाय को भी देते हैं? जो 7 महीने की गाभिन है उसको भी देते हैं? बिल्कुल दिया जाता है कीड़ी का दवा। तो बच्चा अगर देने से 15 दिन एक महीना सेफ रह गया तो भी कीड़ी का दवा दे देना। अच्छा, तो जो जनरल देते हैं वही दिया जाता है? नहीं, उनके लिए प्रेगनेंसी सेफ दवा। अच्छा, प्रेगनेंसी सेफ दवा आती है, वो दिया जाता है। यही चीज जानना चाहते थे। तो अब उसके बाद जो है बच्चों को भी कीड़ी का दवा देते होंगे? बिल्कुल दिया। शुरुआत में बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना बार देते हैं कीड़ी का दवा? बच्चा जन्म लेने के दूसरे या तीसरे दिन कीड़ी का दवा दे दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। और पाइना कोड देते हैं जो है, एक महीने का बच्चा हो गया तो एक गोली। अच्छा, 2 महीने का 2 गोली, 10 महीने तक ऐसे ही चलता है। अच्छा, 10 महीने तक ऐसे ही चलाते हैं? 10 महीने तक 10 गोली, उसके बाद फिर एक टिकिया बड़ा बड़ा गोली भी दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। 10 महीने तक छोटी छोटी टिकिया आती है। तो अब तो ये हो गया सर कीड़ी के दवा के बारे में। अब हम उसके बाद आते हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, ठंडे का भी मौसम आता है, बरसात का भी मौसम आता है, तो सबसे ज्यादा परेशानी किस मौसम में पशुओं को लेकर के आपके साथ हुआ है, ये आप थोड़ा सा बताएंगे सर? नहीं, मौसम तो सर देखिए, अगर आपका रख रखाव सही व्यवस्था है तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो रहेगा, हर मौसम में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। अच्छा, हर मौसम में दिक्कतें होती है, लेकिन ज्यादा दिक्कत थोड़ा बरसात के सीजन में होता है। अच्छा, क्या दिक्कत आती है सर बरसात के सीजन में? उमस और डस, मच्छर, कीड़े का प्रकोप अधिक होता है। तो उनका कोई उपाय नहीं है हटाने का? हटाने का दवा अगर धुआं हुआ होता है, हम लोग दवा का छिड़काव करते हैं जो है, फिर भी वो नेचुरल चीज है, उस समय पे आते ही है जो है। अच्छा, अच्छा। और गर्मी के मौसम में सर इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं या सिर्फ ऐसी जनरली भोजन दिया जाता है, ये आप बताइएगा सर? स्पेशल में इसमें गुड़ का रस दिया जा रहा है। सिर्फ गुड़ का रस? गुड़ का रस दिया जा। कितना अच्छा दे देते होंगे आप? 30 किलो पर डे जो है, पूरे 80 गायों में? नहीं, 80 गायों में नहीं, जो गाय दूध दे रही है उन्हीं को सिर्फ गुड़ का रस। हाँ, तो गुड़ का रस देने से क्या बेनिफिट है? पानी उनके शरीर में, जो पानी नहीं पीने वाली रहेंगे वो भी अधिक पानी पीती है जो। अच्छा, अच्छा। गुड़ देने से पानी की पर्याप्त मात्रा उनके शरीर में रहता है, गुड़ से कैल्शियम मिल जाता है उनको। तो गुड़ उबाल करके देते हैं या ऐसे ही देते हैं? नहीं, गुड़ वो हमारा वो सूखा गुड़ लेते हैं। अच्छा, उसको भेज देते हैं जी, और उसको रस बना के देते हैं बाल्टी। अच्छा, बाल्टी। अच्छा, अच्छा। हाँ, बाल्टी बाल्टी। तो अब हम इनके रख रखाव के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे 2012 से आप कर रहे हैं तो इनके साथ क्या समस्याएं हो रही थी आपके साथ, रोग वगैरह को लेकर के, आप उस संबंध में थोड़ा सा बताएंगे सर? शुरू में तो बहुत समस्याएं थी। क्या समस्या थी सर, वो आप बताइएगा जरूर। शुरू में किसी गाय को सर्रा होता हो जाता था। अच्छा, प्रोटोजोल हो जाता था, जिसमें कि आपका इसका वो पेशाब के साथ ब्लड दे रही थी जो है। और गाय अक्सर लोग डॉक्टर आते थे हर दूसरे तीसरे दिन पे जो है, लेकिन अब जो है इधर लगभग 4-5 साल से जो है लगभग कम से कम 95% तो हम लोग रोग मुक्त हो गए हैं। अच्छा, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। कितने दिनों से रोग मुक्त हो गया? लगभग आज 5-6 साल हो गया। इसके पीछे क्या राज है सर? इसके पहले सबसे बड़ा राज यही है कि गाय का खान पान, डिवर्निंग, उनका मिनरल जी, और उनका रख रखाव बेहतर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और जब ये सब समस्याएं हैं उनके अंदर जब कमियां रहेंगी तो कहीं ना कहीं उभर के आता है। अच्छा, तो थनैल वगैरह रिपीटिंग का समस्या कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? शुरू में था, लेकिन अब इस समय तो सब खत्म, मतलब 95% रोग मुक्त आप हो चुके थे आपने दवा किया। तो जैसे आपका जो थनैल होता था या अभी भी होता होगा कि नहीं होता है? नहीं, अब तो देखिये थनैल ऐसा चीज है कि ये स्वाभाविकता है, जब गाय बच्चा वगैरह देती है तो असर रहता है, लेकिन अगर शुरुआत में तुरंत आपने इसका इलाज कर दिया तो खत्म हो जाता है। अच्छा, अच्छा। वो हावी नहीं होने पाता है। और पशु का रिपीट होना बार बार, क्या ऐसा भी अभी भी आपके साथ होता है कि नहीं होता है? अब नहीं होता है? नहीं नहीं, बार बार रिपीट होने का सबसे बड़ा एक ही रीजन है, उनका खान पान जी 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 और मिनरल की कमी। कितने दिनों पर हिट में आती है आपकी पशु सर? अब गाय बच्चा देने के बाद तो कोई कोई गाय तो 1.5 महीने के बाद में हिट में आ जाती है, मतलब 2-2.5 महीने के अंदर हिट में आ जाता है। अच्छा, और उस समय सीमन आप दिला देते हैं पहली बार में ही? हाँ, सीमन दिला देते हैं, मतलब इंतजार नहीं कर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पहली हिट छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं।
तो क्या सीमन देने के बाद मतलब गाय का जो दूध है कम हो जाता होगा, कम आ जाता है? बहुत मामूली फर्क पड़ता है, अगर क्योंकि ताजी गाय रहती है तो फर्क नहीं पड़ता है उतना। अच्छा, उतना असर नहीं होता है। ताजी मतलब रहेगी तो कोई फर्क नहीं। हाँ, ढाई तीन में जो अधिक दूध देने वाली गाय उतना असर नहीं पड़ता है। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली आपकी डेयरी में मतलब गाय अभी तक कौन सी है सर, और कितने लीटर देने वाली है? हमारे सर डेयरी में करीब 27 लीटर तक दूध देने वाली गाय है जो। अच्छा, और ये जो इधर खड़ी है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कितना लीटर इनका दूध है? और ये पहली बाची है सर जो है। अच्छा, पहली बाची है वाली है ना? अच्छा, ना ये पहली नहीं, दूसरी दूसरी ब्याह घर की बच्ची है। अच्छा, ये 26 लीटर दूध दी है जो है। 26 लीटर दूध देती थी, एकदम नॉर्मल देख रहे हैं, घर की बच्ची है, मतलब यहाँ डेयरी की बच्चा है जो। अच्छा, डेयरी का ही आपका बच्चा है? तो यही सबसे मतलब आपका मुनाफा भरा होगा कि आपका जो बच्चिया तैयार हो जाती है? देखिए, ये भी जो बच्चा है हमारा डेयरी का बच्चा है। अच्छा, ये भी आपका डेयरी का है, ये भी पहला ब्याज का है? हाँ, अच्छा, 22 से 23 लीटर दूध देने वाली गाय है। अच्छा, 22 से 23 लीटर। अच्छा, तो यही तो आपका मतलब सबसे बड़ा मुनाफा भरा मुझे लगता है, क्योंकि सारी सारी जब बच्चिया आपका बच्चा हो जाती है। देखिये, बच्चिया इसमें गिर का बच्चिया है, क्रॉस है जो है, ये भी सीमन ली है, ये भी बच्चा सीमन ले लिया। अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, यदि आपको मतलब बुरा ना लगे तो, आप अपने डेयरी का खर्चा और क्या मतलब दूध का सेलिंग कितना हो जाता है, ये आप बता सकते हैं? दूध का सेलिंग सर इसमें करीब हमारा 500 प्लस है जो है। जी, अच्छा अच्छा, 500 प्लस सेलिंग है जो है। 500 प्लस मतलब दूध था आपका रहता था? सेलिंग 500 लीटर से अधिक है सेलिंग जो है, और दूध परचेज करते हैं जो है। अच्छा, दूध भी आप खरीद लेते हैं आसपास के किसानों को मदद करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो खर्च मतलब डेयरी में आपका कितना कर देते होंगे सर, लगभग लगभग देखा जाए तो? खर्च सर तो बहुत है जो है। अच्छा अच्छा, खर्च बहुत है जो है। मतलब 2012 से आप कर रहे हैं, 11 साल आपको हो गया, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि डेयरी जो है मुनाफे भरा काम है? ठीक है सर, अगर उसको हर दृष्टि से देखा जाए तो मुनाफे भरा है जो है। जी, जी। हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो, चूंकि अब इसमें देखिये ऐसी चीज है ना, एक दिन में नहीं मालूम पड़ती है जो। जी हाँ, एक दिन में नहीं मालूम, एक दिन में पता नहीं चलेगा। इसमें इतना हमारा लगभग 10 साल से अधिक हो गया, 11-12 साल हो गया जो है, लेकिन इतने के बावजूद भी इस समय दूध की अधिक आवश्यकता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन डेयरी का बहुत कम है। जी जी जी। अगर कोई नया आदमी खोलेगा डेयरी जो है, और उसका इस समय जब इतना दूध कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से परेशान होगा। जी जी जी। लेकिन यही है कि फिर हमारा 1-2 महीने में फिर दूध कवर हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा जो है। जी जी, सामने है हमारे सब। चलिए सर, काफी अच्छी आपने बात बताई हमारे दर्शक बंधु के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।